जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करते। अगर सड़कें खामोश हो जाएं तो संसद आवारा हो जाती है। आजाद भारत में लोकतांत्रिक संघर्षों के इतिहास के पन्नों को अगर आप पलटेंगे तो उनमें सबसे बुलंदी के साथ सुनाई देने वाले इन दो नारों के पीछे आवाज है एक समाजवादी, जनवादी, दार्शनिक चिंतक व विचारक राजनेता की, उस नेता की जिसने आजादी के वक्त दंगे रोकने के लिए गांव में सफर किया जब लोग कुर्सियों पर बैठ रहे थे, उस नेता की जिसने आजादी मिलने के बाद बड़े ख्वाबों को देखने की बजाय किसानों और मजदूरों के लिए संघर्ष करते हुए सड़कों पर लाठी खाना चुना था। वह एक ऐसे भारत का ख्वाब देख रहा था जिसके अमीर और गरीब व्यक्ति के बीच 1 रुपए और 10 रुपए से ज्यादा की खाई नहीं होनी चाहिए। वह ऐसे भारत का ख्वाब देख रहा था जो सप्त क्रांति के जरिए सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और लैंगिक न्याय में बराबरी और समानता का भारत होता। वह ऐसा ख्वाब देख रहा था जिसमें चौखंभा राज्य के जरिए विकेंद्रीकृत जनवादी शासन व्यवस्था होती। वह ऐसा ख्वाब देख रहा था जिसमें पढ़ाई, सिंचाई, दवाई इन चीजों को सरकार का मुख्य काम माना जाता। वह ऐसा ख्वाब देख रहा था जिसमें आजाद भारत में गैर कांग्रेसवाद, गैर अंग्रेजीवाद और गैर जातिवाद का एक नया भारत बनना था। और उसने इन तीन चीजों का जो विरोध किया, अंग्रेजी, जाति और कांग्रेस का, इसका खामियाजा उसे यह भुगतना पड़ा कि इस देश के एलीट, अपर क्लास, अपर कास्ट, पुरुष, कुलीन लोगों ने उसे कभी वह जगह नहीं दी जिसका वो हकदार था। उसका ख्वाब डॉक्टर अंबेडकर के साथ मिलकर, तो कभी पेरियार के साथ मिलकर एक नए भारत की संकल्पना को साकार करने का करवट ले रहा था। मगर अफसोस कि उस समाजवादी चिंतक विचारक के सपनों का भारत अभी भी हम नहीं बना पाए हैं, मगर वह हमारे ख्वाबों का एक सबसे बड़ा दृष्टा था। उसकी नज़र के सामने सब बराबर थे और जब वो गया तो एक लोहे के बक्से में चंद किताबें और 2 जोड़ी धोती और कुर्ते के सिवा और कुछ भी नहीं था। जो था तो उसका विचार और वह ख्वाब जो अभी भी जिंदा है। सामाजिक न्याय की पाठशाला के इस खास एपिसोड में आज हम बात करने जा रहे हैं समाजवादी नेता, चिंतक, विचारक व दार्शनिक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया पर। अभिवादन कबूल करिए लक्ष्मण यादव का और स्वागत है आपका सामाजिक न्याय की पाठशाला में। साल 1910 के मार्च महीने की वह तारीख जिसे चंद सालों बाद शहीद आजम भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी देने के लिए चुना गया था, उसी तारीख को उत्तर प्रदेश के अकबरपुर जिले में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का जन्म होता है, 23 मार्च 1910। और 23 मार्च 1931 को जब लाहौर जेल में इन तीन क्रांतिकारियों को फांसी दी जा रही थी उसके विरोध में बर्लिन में हो रही लीग ऑफ नेशंस की बैठक में जाकर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया सीटी बजाकर इस फांसी का विरोध करते हैं जिसके बाद उन्हें सभागृह से निकाल दिया जाता है। लोहिया अपने पेशेवर अध्यापक पिता से बुनियादी समाजवादी तालीम पाते हैं। शुरुआती शिक्षा दीक्षा इंटरमीडिएट तक बनारस में पाने के बाद कलकत्ता से पढ़ाई की और फिर अग्रवाल समाज के कोष से उन्हें विदेश पढ़ने भेज दिया गया। 1918 में पिताजी के साथ अहमदाबाद कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार शामिल होते हैं। 1921 में फैजाबाद किसान आंदोलन के दौरान जवाहरलाल नेहरू से मुलाकात होती है और 24 में कांग्रेस के गया अधिवेशन में बतौर प्रतिनिधि शामिल होते हैं। साइमन कमीशन के बहिष्कार के लिए छात्रों के आंदोलन में शिरकत करते हैं और 1930 में पढ़ने के लिए इंग्लैंड रवाना होते हैं जहां से वो बर्लिन चले जाते हैं। बर्लिन के स्पोर्टर्स पैलेस में हिटलर का भाषण सुनने का भी जिक्र मिलता है। 1932 में लोहिया ने नमक सत्याग्रह विषय पर अपना शोध प्रबंध पूरा कर बर्लिन विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। डॉक्टर लोहिया अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, मराठी, बांग्ला और हिंदी समेत कई भाषाओं को बखूबी लिखने और पढ़ने में दक्ष थे।
17 मई 1934 को पटना में आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में देश के समाजवादी अंजुमन इस्लामिया हॉल में इकट्ठा हुए, जहां समाजवादी पार्टी की स्थापना का निर्णय लिया गया। यहां लोहिया ने समाजवादी आंदोलन की रूपरेखा प्रस्तुत की। पार्टी के उद्देश्यों में लोहिया ने पूर्ण स्वराज का लक्ष्य जोड़ने का संशोधन पेश किया, जिसे अस्वीकार कर दिया। 21-22 अक्टूबर 1934 को बंबई के बर्ली स्थित रेडीमनी टेरेस में 150 समाजवादियों ने इकट्ठे होकर के कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की। लोहिया उसकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य चुने गए। 1936 के मेरठ अधिवेशन में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी ने कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्यों के लिए दरवाजा खोल दिया। लोहिया बार बार कम्युनिस्टों के प्रति सचेत रहने की चेतावनी देते थे, लगातार वो उनसे सजग रहने की बात कहा करते थे। 1929 में उन्होंने शस्त्रों का नाश नामक एक प्रसिद्ध लेख लिखा, जो बुद्ध से उनको जोड़ता है। डॉक्टर लोहिया ने अपनी जीवनी में अपने जीवनीकार ओंकार शरद से ये कहा कि नक्शे में यह जो दृश्य देख रहे हो, जो रास्ता देख रहे हो, कभी मैं पैदल इस रास्ते पर चलना चाहता हूं, बुद्ध इसी रास्ते चले थे। अल्मोड़ा के जिला सम्मेलन में लोहिया ने नेहरू को झट पलटने वाला नट तक कहा। लगातार लोहिया कांग्रेस और कांग्रेसी कल्चर से नाराज होकर के अपनी एक अलग समाजवादी धारा मुकम्मल रूप से व्यवस्थित करते हुए चलते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान डॉक्टर लोहिया भूमिगत होकर के आंदोलन को आगे बढ़ाते हैं। जंगजू आगे बढ़ो, क्रांति की तैयारी करो, आजाद राज्य कैसे बने जैसी पुस्तकाएं उसी भूमिगत रहने के दौरान वो लिखते हैं। उषा मेहता के साथ गुप्त रेडियो चलाते हैं और फिर भागकर नेपाल चले जाते हैं। 30 दिसंबर 1946 को नवाखली में हिंदू और मुसलमानों के बीच अविश्वास को दूर करने के लिए गांधी जी के साथ विस्तृत कार्यक्रम तैयार करते हैं। पूरे साल नवाखली, कलकत्ता, बिहार, दिल्ली सभी जगह लोहिया गांधी के साथ मिलकर सांप्रदायिकता की आग बुझाने की कोशिश कर रहे होते हैं। 9 अगस्त 1947 से लगातार हिंसा रोकने की कोशिश में वो शामिल होते हैं। 14 अगस्त की रात को हिंदू मुस्लिम भाई भाई के नारों के साथ लोहिया ने सभा की। 31 अगस्त को फिर वातावरण बिगड़ गया, गांधी जी अनशन पर बैठ गए। तब लोहिया ने दंगाइयों से हथियार इकट्ठा करवाने की अपील की और हथियार डालने की बात की। शांति समिति की स्थापना हुई और लोहिया आजाद भारत के ऊपर जो लहू लग रहा था दंगों का, उसे रोकने में अपनी भूमिका निभा रहे थे। जनवरी 1947 में लोहिया ने नेपाली राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करने और राणाशाही के विरोध के सत्याग्रह की पहल की। 25 जनवरी 1948 को बंबई हड़ताल से लेकर लोहिया जी ने गांधी जी से हड़ताल का समर्थन मांगा। 28 जनवरी को गांधी जी ने कहा कि कल आना, पेट भर बात होगी। 30 जनवरी को लोहिया जब बिरला भवन के लिए निकले तो उन्हें गांधी जी की हत्या की खबर मिली। 1949 में पटना में सोशलिस्ट पार्टी का दूसरा अधिवेशन हुआ। इसी अधिवेशन में डॉक्टर लोहिया ने चौखंबा राज्य की संकल्पना पेश की थी। चौखंबा राज्य की संकल्पना आपको पढ़ना चाहिए। उसका मूल सूत्र यह है, केंद्र से लेकर के गांव तक चार बड़े खंभों के आधार पर विकेंद्रीकृत शासन व्यवस्था हो, जिसमें जन पक्षधरता सामने आए, जनता का शासन असल मायने में हो। 3 जून 1951 को दिल्ली के जनवाणी दिवस पर प्रदर्शन किया, रोजी रोटी कपड़ा दो वरना गद्दी छोड़ दो। डॉक्टर लोहिया ने यह नारा लगाया था, यानी भारत आजाद हो गया था। उस समय भी यह समाजवादी नेता आम आवाम के हकूक के लिए सड़कों पर लाठियां कह रहा था। 1951 में एशिया की समस्त सोशलिस्ट पार्टियों को एकजुट करने का विचार बनाया और 25 मार्च से 29 मार्च 1952 में एशियाई सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस की और उसमें लोहिया शामिल नहीं हो सके तो जयप्रकाश नारायण को भारत के प्रतिनिधिमंडल के तौर पर भेजा गया। 24-25 सितंबर 1952 को जनरल काउंसिल की बैठक हुई। प्रजा पार्टी और सोशलिस्ट पार्टी को एक करके प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया गया। 13-14 मई 1954 को उत्तर प्रदेश में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी द्वारा नहर रेट की बढ़ोतरी के खिलाफ आंदोलन शुरू किया गया। 4 जुलाई 1954 को फरुखाबाद में वाणी स्वतंत्रता के लिए भाषण देने के चलते डॉक्टर लोहिया गिरफ्तार कर लिए गए। यानी डॉक्टर लोहिया आजाद भारत में आम आवाम के हकों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। और देखिए मुद्दे क्या चल रहे हैं, वो एक प्रगतिशील विचारक समाजवादी चिंतक थे डॉक्टर लोहिया। 1956 में लोहिया ने मैनकाइंड नामक पत्रिका शुरू की। 1961 में अंग्रेजी हटाओ आंदोलन शुरू किया। डॉक्टर लोहिया अंग्रेजी को एक सामंती भाषा कहते हैं और वो कहते हैं कि यदि सरकारी और सार्वजनिक काम ऐसी भाषा में चलाया जाए जिसे देश के करोड़ों आदमी समझ ही न सकें तो यह एक प्रकार का जादू टोना होगा।
अंग्रेजी हटाओ, मातृभाषा लाओ। और डॉक्टर लोहिया लिखते हैं कि मैं चाहूंगा कि हिंदुस्तान के साधारण लोग अपने अंग्रेजी के अज्ञान पर लजाएं नहीं बल्कि गर्व करें। इस सामंती भाषा को उन्हीं के लिए छोड़ दें जिनके माँ बाप अगर शरीर से नहीं तो आत्मा से अंग्रेज हैं। डॉक्टर लोहिया मुखर होकर के अंग्रेजी विरोध करते हैं क्योंकि डॉक्टर लोहिया कहते हैं कि इस देश का आम आवाम मातृबोली और अपनी जन भाषा में बातचीत करता है। 1962 के चुनाव में डॉक्टर लोहिया नेहरू के खिलाफ इलाहाबाद के फूरपुल से चुनाव लड़ते हैं और हार जाते हैं। 11 नवंबर 1962 को कलकत्ता में सभा करके तिब्बत का सवाल उठाते हैं। 63 में फरूखाबाद से उपचुनाव में 58,000 मतों से डॉक्टर लोहिया विजयी होते हैं और लोकसभा में आकर 3 आना बनाम 15 आना की बहस करते हैं जो बहुत लोकप्रिय हुई। और उन्होंने कहा कि इस देश के 18 करोड़ आबादी 4 आने पर जिंदगी काटने पर मजबूर है और इस देश का प्रधानमंत्री 25,000 रुपए रोज खर्च करता है। कल्पना करिए डॉक्टर लोहिया आज होते तो क्या सवाल पूछ रहे होते जिस दौर में अरबों रुपए प्रचार और कपड़े पर बर्बाद कर दिए जा रहे हैं। 9 अगस्त 1965 को लोहिया को भारत सुरक्षा कानून के अंतर्गत गिरफ्तार कर लिया जाता है। यानी अपने जीवन में लगातार वो संघर्ष करते हुए आम आवाम के हकूकों की बात उठाते हुए कहते हैं। डॉक्टर लोहिया पिछड़े वर्ग की नुमाइंदगी के लिए एक बहुत प्रसिद्ध नारा देते हैं। संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी का गठन होता है और उसके नाम पर यह नारा होता है कि सन सोपा ने बांधी गांठ, पिछड़ा पावे 100 में 60। और वो कहते हैं कि पिछड़े तबके की आबादी अगर 60% है तो उन्हें हर जगह 60% हक हुकूक मिलना चाहिए और जाति का मुखर विरोध करते हैं। डॉक्टर लोहिया डॉक्टर अंबेडकर के साथ मिल करके एक नए तरह का बहुजन एका वाला राजनीतिक विकल्प बनाना चाह रहे होते हैं और वहीं दूसरी तरफ वो पेरियार से मिलते हैं और पेरियार से मिल करके उस बड़ी एका को और विस्तृत करना चाहते हैं मगर अफसोस ये हो न सका। 30 सितंबर 1967 को डॉक्टर लोहिया बीमार पड़ते हैं, नई दिल्ली के विलिंगटन अस्पताल में भर्ती किए जाते हैं और 12 अक्टूबर 1967 को मात्र 57 वर्ष की आयु में उनका निधन हो जाता है। उनके निधन को लेकर के गहरा संदेह व्यक्त किया जाता है और मौत के बारे में कुलदीप नैयर अपनी किताब बियॉन्ड द लाइंस में लिखते हैं कि मैं राम मनोहर लोहिया से अस्पताल में मिलने गया था, उन्होंने से कहा कुलदीप मैं इन डॉक्टरों के चलते मर रहा हूं। कुलदीप नैयर आगे लिखते हैं कि लोहिया की बात सच निकली क्योंकि डॉक्टरों ने उनकी बीमारी का गलत इलाज कर दिया था और उनकी मौत के बाद सरकार ने दिल्ली के सभी सरकारी अस्पतालों के निरीक्षण हेतु एक समिति नियुक्त की। आज इसी अस्पताल का नाम दिल्ली में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल है। डॉक्टर लोहिया का सबसे प्रसिद्ध कुछ सैद्धांतिक और वैचारिक आयाम है जो बहुत संक्षेप में आपको जानना बहुत जरूरी है, जिनमें सबसे अहम है सप्त क्रांति। डॉक्टर लोहिया 7 प्रकार की क्रांति की बात करते हैं। पहली नर नारी की समानता के लिए क्रांति, दूसरी चमड़े के रंग पर रची राजकीय आर्थिक और दिमागी असमानता के खिलाफ क्रांति, तीसरी संस्कारगत जन्मजात जाति प्रथा के खिलाफ और पिछड़ों को विशेष अवसर देने के लिए क्रांति, चौथी परदेशी गुलामी के खिलाफ और स्वतंत्रता व विश्व लोक राज के लिए क्रांति, पांचवी निजी पूंजी की विषमताओं के खिलाफ और आर्थिक समानता के लिए तथा योजना द्वारा पैदावार बढ़ाने के लिए क्रांति, छठवीं निजी जीवन में अन्यायी हस्तक्षेप के खिलाफ और लोकतंत्री पद्धति के लिए क्रांति, और सातवां अस्त्र शस्त्र के खिलाफ और सत्याग्रह के लिए क्रांति। डॉक्टर लोहिया का जेंडर डिस्कोर्स बहुत प्रसिद्ध रहा है। डॉक्टर लोहिया लगातार एक बात कहते हैं अपने लेखों और भाषणों में कि इस देश की महिलाओं को सावित्री को नहीं द्रौपदी को भारतीय नारी के प्रतीक के रूप में देखना चाहिए। सती सीता नहीं द्रौपदी बनना सीखो। धार्मिक चिंतन के आधार पर डॉक्टर लोहिया के राजनीति और धर्म के रिश्ते पर एक प्रसिद्ध वाक्य है कि राजनीति अल्पकालिक धर्म है और धर्म दीर्घकालिक राजनीति। वो रामायण को उत्तर दक्षिण का संगम का ग्रंथ और महाभारत को पूर्व और पश्चिम के संगम का ग्रंथ मानते हैं। वो रामायण मेला लगवाते थे जिसका 1961 में चित्रकूट और अयोध्या में हर प्रकार के रामायण के चरित्रों को, केवल तुलसी के रामचरित मानस वाले नहीं, हर किस्म के कृतिवास के बंग रामायण, कंबन के तमिल रामायण, एकनाथ की मराठी रामायण, इन सबको जितनी मातृभाषाओं में रामायण लिखे गए सबको एक जट के रामायण मेले की बात करते थे।
इस पर लेकर के डॉक्टर लोहिया की आलोचना भी होती है। डॉक्टर लोहिया राम और कृष्ण को लेकर के एक अलग तरह का विचार रखते थे। राजनीतिक विचार के तौर पर चौखंबा प्रशासन सिद्धांत तो उनका बेहद प्रसिद्ध है। एस्पेक्ट ऑफ सोशल फिलॉसफी नामक किताब में केंद्र व प्रांत के साथ दो खंभों के साथ ग्राम, जिला, केंद्र और प्रांत चारों को वो चार खंभा मानते हैं। पुलिस प्रशासन के विकेंद्रीकरण के साथ वाणी की स्वतंत्रता की बात करते हैं। सामाजिक विचारों में जाति द कास्ट नामक एक किताब लिखते हैं। वर्ण व्यवस्था का घोर विरोध करते हैं, सामाजिक विषमता का विरोध करते हैं और डॉक्टर लोहिया कहते हैं कि जातिगत आधार पर सामाजिक प्रतिष्ठा निर्धारण का हर हाल में विरोध होना चाहिए। जाति के नाम पर किसी की सामाजिक हैसियत ज्यादा और किसी की कम नहीं होना चाहिए। जाति के उन्मूलन की बात करते हुए डॉक्टर लिखते हैं कि निम्न जातियों का उत्थान, राजनीतिक सहभागिता बढ़ाना, अंतरजाति विवाह व सहभोज की बात करना, वयस्क मताधिकार और प्रत्यक्ष चुनाव, नवीन समाजवाद की स्थापना, ये वे रास्ते हैं जिससे भारत को जाति की बीमारी से मुक्त किया जा सकता है। इसलिए डॉक्टर लोहिया सामाजिक न्याय की वैचारिकी में एक बड़े विचारक के तौर पर हमारे सामने खड़े होते हैं। डॉक्टर लोहिया विश्व आर्थिक दृष्टि जाति प्रथा को तोड़ने पर भी बल देते हैं। डॉक्टर लोहिया मुखर होकर के कहते हैं कि असमान लोगों को समान अवसर नहीं दिया जाना चाहिए, असमान लोगों को विशेष अवसर का सिद्धांत के आधार पर विशेष प्राथमिकता दी जानी चाहिए। डॉक्टर लोहिया मार्क्स, गांधी व समाजवाद, समाजवाद की राजनीति, इन दोनों पर विश्लेषण करते हुए तमाम किताबें लिखते हैं। गांधी व मार्क्स दोनों को डॉक्टर लोहिया अधूरा चिंतक कहते हैं। डॉक्टर लोहिया की कुछ किताबें आपको जरूर पढ़नी चाहिए, जिनमें सबसे प्रमुख है इतिहास चक्र, जिसमें मार्क्सवादी इतिहास की व्याख्या है। डॉक्टर लोहिया वहां पर जातियों के शिथिल होकर वर्ग और वर्ग के संगठित होकर जात में बदल जाने की अंतःक्रिया की व्याख्या करते हैं। डॉक्टर लोहिया की एक और महत्वपूर्ण किताब है भारत विभाजन के गुनहगार, और उसके साथ साथ देश विदेश नीति कुछ पहलू, धर्म पर एक दृष्टि, भारतीय शिल्प, मार्क्सवाद और समाजवाद, राग, जिम्मेदारी की भावना, अनुपात की समझ, समलक्ष्य, समबोध, समदृष्टि, सच कर्म प्रतिकार और चरित्र निर्माण आह्वान, समाजवादी चिंतन, संसदीय आचरण, इस तरह की तमाम किताबें लिखते हैं। और अनामिका प्रकाशन से डॉक्टर लोहिया का समग्र लेखन प्रकाशित हो चुका है। अपनी एक लोकप्रिय पुस्तक हिंदू बनाम हिंदू में डॉक्टर लोहिया लिखते हैं कि हिंदू धर्म कोई खास सिद्धांत या संगठन नहीं है, न विश्वास और न व्यवहार का कोई नियम उनके लिए अनिवार्य है। और डॉक्टर लोहिया लगातार ये बात करते हैं कि वंचित शोषित को उनका हक मिलना चाहिए। और इस तरह से डॉक्टर लोहिया के ख्वाबों का भारत एक ऐसा भारत है जो असल में सामाजिक न्याय, लैंगिक न्याय और आर्थिक न्याय की मुकम्मल वैचारिकी के साथ हमारे सामने खड़ा होता है। डॉक्टर लोहिया सबके बराबरी की बात करते थे। डॉक्टर लोहिया कांग्रेस से मुक्ति की बात करते थे, मगर आज डॉक्टर लोहिया अगर 21वीं सदी में हमारे सामने होते तो वो कांग्रेस के विरोध के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को उखाड़ फेंकने की बात करते। यह बात ठीक है कि डॉक्टर लोहिया पर कुछ आरोप भी लगते हैं कि उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का साथ लिया, कांग्रेस विरोध के चक्कर में उन्होंने दक्षिणपंथी ताकतों को प्रश्रय दिया, जेपी ने उसके बाद जेपी आंदोलन 1975 में भी प्रश्रय दिया, और जिससे आज हम कई जगह पर यह महसूस कर रहे हैं कि वह दक्षिणपंथी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और दक्षिणपंथी नफरती विचार के लोग आज हमारे ऊपर हावी हैं। मगर आज डॉक्टर लोहिया होते तो क्या वो दक्षिण पंथ के साथ खड़े होते या कांग्रेस के साथ खड़े होते? मेरा मानना है कि आज अगर डॉक्टर लोहिया होते तो कांग्रेस के साथ साथ आरएसएस को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने के जन आंदोलन की अगुवाई कर रहे होते। आज डॉक्टर लोहिया होते तो अंग्रेजी के नाम पर देश की जन भाषाओं और उनके साथ साथ शैक्षणिक और नौकरियों तक में इंटरव्यू के नाम पर जो वंचित तबके के साथ भेदभाव रहा उसके खिलाफ आंदोलन कर रहे होते। आज डॉक्टर लोहिया होते तो किसान आंदोलन में जो नहर का रेट बढ़ाने से लेकर के आज जब जमीन को बेचा जा रहा है, ऐसे में तो डॉक्टर लोहिया किसानों के सबसे अगुआ हिमायती बनकर के सड़क पर लाठियां खा रहे होते। आज डॉक्टर लोहिया होते तो शिक्षा के बेचे जाने के खिलाफ मुहिम चला रहे होते। आज डॉक्टर लोहिया होते तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में शायद पेरियार और अम्बेडकर को मिला करके एक नए बहुजन एका का जो ख्वाब था उसे पूरा करने के लिए कोशिश कर रहे होते।
आज डॉक्टर लोहिया होते तो भारत की आम वंचित शोषित कमेरा शमशील जातियों के लिए संघर्ष करते, अपनी गलती पर पछताते और कहते कि कांग्रेस से ज्यादा खतरनाक दक्षिणपंथी आरएसएस और इस तरह के विचार हैं। आज डॉक्टर लोहिया होते तो अपने एक खाली अटैची, अपनी चंद किताबें और डायरी लेकर के बुद्ध के विचार को साथ रख करके इस देश में सामाजिक न्याय की बात करते। आज डॉक्टर लोहिया होते तो अपने उन वारिसों से भी सवाल पूछते कि मेरा अधूरा ख्वाब पूरा करने की बजाय तुमने कोई और रास्ता तो नहीं चुन लिया। मूल्यांकन सबको करना चाहिए, डॉक्टर लोहिया का मूल्यांकन भी होना चाहिए, लेकिन हम जानते हैं कि सामाजिक न्याय की मुकम्मल विचार की में सबसे अगुआ कुछ नामों में एक नाम है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का। तो एक बुनियादी परिचय मैंने आपको दिया है, आपको ये बातचीत कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आगे किसी एपिसोड में हम लोग किसी और शख्सियत पर बात करेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये बातचीत अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर करिए। अगर आपको लगता है कि डॉक्टर लोहिया को जन जन को पढ़वाना चाहिए तो इस बात को आगे बढ़ाइए। आप देख रहे थे सामाजिक न्याय की पाठशाला, मैं लक्ष्मण यादव आपका आभार व्यक्त करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद।